सहाय ना आयो को चीज में समाज बताए जी देती रही चार बजे तक मकान खाली कराऊंगा। चलो तुम जाओ, हो गया काम, निकल लो मेरा, निकल लो। गोंडा में नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि स्टेशन रोड पे, ये बड़गांव चौकी है, यानी चंद कदमों की दूरी पे है, एक घर है जहां पे विवाद चल रहा है। दुकान का एजेंसी थी ट्रैक्टर की, उसी का विवाद था। जानने की कोशिश कर रहे हैं जो मेन मालिक हैं, यानी घर के मालिक हैं, जो उसके पूरे जहाँ पे घर था पूरा ज़मीन का मालिक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है। वायरल वीडियो है, मारपीट की घटना, उसी में असलाह भी लहराया जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है, और उसमें कई तरह से आरोप भी लगाए गए हैं पुलिस प्रशासन पे, यानी नगर कोतवाली पे आरोप लगा है कि शॉर्ट गार्ड का आरोप है। शॉर्ट गार्ड किस तरह से, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक न्यायालय पर भी, न्यायालय पर भी उंगली उठ रही है, न्यायालय पर उठ रही, न्यायालय को कोई खरीद नहीं सकता है, न्यायालय न्यायालय होता है, ऐसा भी आरोप है। और 50 लाख की लूट का मामला है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या नाम है उनका, क्या वजह है, क्या आरोप है। क्या नाम है आपका? आफाक अहमद। आफाक अहमद जी, क्या मामला है? अभी वीडियो वायरल हो रहा है, मारपीट की घटना हुई है, क्या मामला है? 27 तारीख को आए हैं करणदीप मल्होत्रा, दोनों भाई और उनके लड़के, और जो है ताला हमारा तोड़ने लगे, गाली गलौज देने लगे, धमकी दिए कि पूरा घर खाली करा देंगे, तुम लोग जो है छोड़ो, ये दुकान हमारा है। और उसके बाद जो है छोटे हमारे दोनों भाई जो त्यौहार मनाने आए थे गांव से, यहाँ रहते ही नहीं हैं, वो हमारे पास फ़ोन किए, हम जा रहे थे कर्नलगंज, वहाँ से हमने कहे नहीं, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, जाके आप कोतवाली पहुँचिए तुरंत और वहाँ से रिपोर्ट करिए। नहीं, बड़ा आरोप है नगर कोतवाली पे भी और आप पे भी कि सांड काट करके कोतवाली से ऐसा काम किया गया है, जो मतलब ताला तोड़ा गया है या कब्जा किया गया, ऐसा आरोप है, क्या सच्चाई है? नहीं, कोतवाली में हमारा कोई जाने पहचान नहीं, ना कभी मुलाकात है किसी से आज तक, अभी भी नहीं पहचानते हैं हम, कोई उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। जो हमें न्यायालय से आदेश मिला था 15 सितंबर को, उसके बाद हम इनसे बातचीत किए हैं, हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग जो कुछ कंडीशनल पे हम कहे, ये इन्होंने खाली कर दिया हमारा मकान, आपसी समझौता कहेंगे, आपसे जो समझौता था उसको किए हैं, उस पर जो है जब न्यायालय में मेरे पक्ष में निर्णय आया तो उसके बाद ये जो है थोड़ा सॉफ्ट हुए और हम लोग तय कर लिए। उसके बाद जो है ये फिर बाद में इधर 7 महीना बीत गया, 8, इसके बाद ये लालच फैलाने लगे कि हमको तो जो ट्रैक्टर यहाँ से ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, फिर जो है आके एक दिन ताला तोड़ने लगे 27 तारीख को, और धमकाने लगे सबको कि बंद करा देंगे और पूरा घर खाली कराएंगे, सबको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखिए क्लिप वीडियो मौजूद है, उसमें क्या बोल रहे हैं सब। कितने साल हो गए आपको, आपकी ज़मीन, आपका घर होते हुए कितने साल हो गया मुकदमा लड़ रहे? ये जो है मकान जो हमारे पिताजी खरीदे थे, ये 1983-84 में लिए थे, लेकिन बैनामा कराए हैं इसको 1990 में, और तभी से जो है किराएदार भी हमारी इनसे मुकदमा चल रहा है, ये खाली नहीं किए तो मुकदमा हो, और 33 साल ये मुकदमा चला है, 33 साल के बाद ये हमें मिला है, हमारे पक्ष में मिला है न्यायालय, और जो है उसके बाद इन्होंने से हमारी बातचीत हुई है, बहुत दिन हो गया, बहुत हो गया, ये खुद ही तैयार हो गए, और उसके बाद ये खाली कर, उसके बाद ये लालच फैलाएं इधर जो है, दोनों भाई मिल के आगे बताए हैं कि जो है कुछ नहीं, ताला हटाइए, ताला मेरा तोड़ने लगे, और जो है गाली दी है मेरे भाइयों को, हाथ पैर चलाए हैं, राइफल लेके आए हैं, गोली मार देंगे, यहाँ दिखाई मत पड़ना, सब पूरा घर खाली करा देंगे। देखिए वीडियो क्लिप मौजूद है, उसमें सब बोल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से? इस तरह आरोप है और आप पे आरोप है कि 50 लाख का हमारा सामान था उसमें निकाल दिया गया है, ऐसा कुछ है? जब कोई काम नहीं कर रहे थे यहाँ तो 50 लाख सामान यहाँ कहाँ से आ जाएगा? ये 15 साल से पहले से सब बंद कर दिया ट्रैक्टर का काम, ना इनके पास पहले महिंद्रा का काम था वो छोड़ दिए, फिर जॉन डियर का था वो भी छोड़ दिए, उसके बाद जो है इनको ये एक्वा गार्ड का कुछ दिन काम किए थे 10-20 2 बेचे 1 महीना वो छोड़ दिए, फिर बीच में जो है निर्मा पाउडर अपने घर पे पीछे वहाँ बनाते हैं,
वहाँ पे थोड़ा सा एक प्लांट लगाए वो बनाए वो भी बंद कर दिए, तो यहाँ 50 लाख रुपए कौन सा सामान ले आएंगे? और फिर 50 लाख का हो चाहे वो 50 करोड़ का हो, हमसे इससे क्या लेना देना है? जो भी था वो 15 सितंबर का है, उसके बाद वो निकाल के अपना ले गए, तो हमसे उससे क्या मतलब है 50 लाख का था कि 50 करोड़ का था? अभी जो पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं, क्या मतलब आश्वासन भी मिला है आपको, और क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन या न्यायपालिका पे, कितना मतलब क्या है भरोसा? न्यायपालिका पर तो पूरा मुझे पूरा उम्मीद है, और पूरा मेरे पक्ष में निर्णय आ चुका। पुलिस प्रशासन अपना निष्पक्ष जाँच कर ले, पूरा मोहल्ले सामने सामने सब खड़े थे, सब पूरा पूछ ले 10-12 साल से, अगर इनका कुछ यहाँ रहा हो तो बता दें। ये कोई काम ही नहीं करते थे तो ये कहाँ जाए? किसी आदमी सामने सब मोहल्ले वाले हैं, सब बिल्कुल सटा हुआ मकान है अगल बगल, किसी से कहला दें, एक आदमी कह दे कि इनका यहाँ कुछ था तो हम मान लें, कोई भी एक आदमी कह दे, ये कह दे मेरी गलती थी, एक आदमी ले आए सामने, हम हमारे ना कोई रिश्तेदार है ना कोई जात बिरादर, हम 100 किलोमीटर दूर से यहाँ आए रहते हैं, हमारे पिताजी आए थे 100 किलोमीटर, गाँव जमीन बेच के आए थे, हम मकान लिए थे कि बच्चे हमारे यहाँ धंधा पानी करेंगे। इनमें ये है कि किराए पे देना भी कुछ मतलब संदेह लग रहा है कि लोग किराए पे दें या ना दें, आदमी ऐसा लग रहा है। अभी हमदर्दी के तहत दिया गया था किराए पे, 2 महीने के लिए मांगे थे इनके पिताजी, इनके दादा, ये पहले मैनेजर थे यहाँ फेयर ब्रदर्स, एक एजेंसी थी, ये वो गोरखपुर चली गई, ये उसमें मैनेजर थे, मिलिट्री रिटायर्ड थे, कायदे के आदमी थे, ये हमारे वालिद साहब से कहे कि आप हमको दे दिए 2-3 महीने के लिए दुकान, हम जो है पहले हमारे पिताजी भी किराए पे लिए थे इसको, तब खरीदे नहीं थे, 1970 की बात है, तब इनको दे दिया, वैसे हमदर्दी दिए दिए, कोई किराए भी नहीं लेते थे। बाद में उनका देहांत हो गया, इनके पिता जो है सुदेश मल्होत्रा से आ जाया, उसके बाद हम लोगों ने इसको परचेस कर लिया, खरीद लिया। ये रहने वाले जी जिसका मकान है ये दिल्ली के रहने वाले हैं, आनंद पर्वत करोलबाग दिल्ली के, जौहरी मल उनका था, लेकिन उनके नाम से भी नहीं था, उनके भतीजों के नाम से था, और जब हम बैनामा कराए हैं तो उनका देहांत हो गया था, उनके भतीजे आके बैनामा करके गए हैं सब 7 साल बाद। मतलब कुल मिला के आपकी ज़मीन है, आपका है, बैनामा है, और ये है कि पुलिस प्रशासन पे जो आरोप है उनके ये कहा जा रहा है कि वो भी मतलब निराधार है, गलत है, इनका कहना है जो ये आरोप लगा है 50 लाख की लूट हुई है, उसमें कोई सामान नहीं, काफ़ी दिनों से नहीं सामान है, वो बिल्कुल से काम यहाँ नहीं करते थे, वो फर्जी आरोप है, इनके द्वारा बताया जा रहा है, और आगे पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर लगाए बैठे हैं, लगा रहे हैं, और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताए हैं, न्यायपालिका इनके पक्ष में फैसला भी कर चुकी है ऐसा इनका कहना है, और देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन किस तरह से और आगे क्या कार्रवाई कर, बहरहाल मुकदमा कर दिया है दोनों पक्ष के ऊपर पुलिस प्रशासन ने, और आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है, जैसा कि एडिशनल SP ने बताया है वो भी बता दिए हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी बता दिए हैं। मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज 18 गोंडा।